नमस्ते, दीपज्योति क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। शरद पूर्णिमा के रात को खीर रखकर खाया जाता है। शरद पूर्णिमा पर जादुई खीर बनती है, जिसको चंद्रमा की रोशनी में रखकर खाया जाता है। आज हम उस खीर की रेसिपी देखने वाले हैं। उस खीर को जादुई खीर और किस्मत की खीर, अमृत का खीर भी कहा जाता है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने स्क्रीन पर दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने गाय का दूध इस्तेमाल किया है। 1 लीटर गाय का दूध मैंने यहाँ पर लिया है। हम इसे दूध की मात्रा थोड़ा कम होने तक हम इसे पका लेंगे। आखिर शरद पूर्णिमा के दिन खीर ही क्यों बनाते हैं, उसका मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बताऊंगी। हर तिथि का एक अपना महत्व होता है, एक इम्पोर्टेंस होता है। जो पूर्णिमा की तिथि है, उसके स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं। चंद्रदेव की जो शक्ति होती है, पूर्णिमा के दिन जल में, लिक्विड में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हम खीर बनाते हैं, दूसरा चीज़ नहीं बनाते हैं। खीर जो है शुद्ध गाय के दूध से बनाया जाता है। अगर शुद्ध गाय का दूध नहीं मिला तो आप उसमें घी का इस्तेमाल करिए, वो भी गाय का ही होना चाहिए। आमतौर पर अब लोग खीर बनाते हैं चावल मिलाकर, उसे खीर कहते हैं। लेकिन खीर तो लिक्विड रूप में रहना चाहिए, सॉलिड रूप में नहीं रहना चाहिए। चंद्रमा की शक्ति उसमें होती है। अश्विन के पूर्णिमा को यानी शरद की पूर्णिमा को मनाते हैं, शरद पूर्णिमा। और चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है इस दिन। इसीलिए हम भारतीय रात में क्या करते हैं, एक पात्र में, चाहे वो चांदी का हो, सोने का हो, मिट्टी का हो या स्टील का हो, लेकिन वो एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए, इसमें हम खीर बनाकर रात भर रख देते हैं और अगले दिन सुबह इसका सेवन करते हैं। चंद्रमा की रोशनी जो रात भर उस खीर पर पड़ती है, उस खीर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, सकारात्मक एनर्जी उसमें आ जाती है। इसलिए हम रात भर खीर रख कर अगले दिन सुबह ब्रश करने के बाद ही पहले प्रसाद के रूप में खीर का सेवन करना चाहिए। अगर हम रात भर नहीं रख सकते हैं तो कुछ घंटे के लिए हम रख सकते हैं। मिनिमम 1 घंटा रख कर आप खीर का सेवन करिए। देखिए, यहाँ पर दूध हमारा ये हो गया है, उसमें मैंने थोड़ा क्रीम मिला लिया है और शुगर भी मिला लिया है, और थोड़ी देर में पका लेती हूँ। उसके बाद केसर मिलाकर हम इसे पका लेंगे। केसर अपना रंग छोड़ने तक हम इसे, अच्छे से गाढ़ा होने तक हम इसे पका लेंगे। देखिए, माना जाता है कि इस खीर का सेवन करने से हमें साल भर आरोग्य स्वस्थ प्राप्ति होती है, अगर हम ऐसे करते हैं तो। खीर बनाने का मतलब सिर्फ यही है, उसके अंदर चंद्रमा की रोशनी प्रविष्ट हो जाती है। हो सकता है आप खीर न बना पाए, या बहुत सारे बैचलर रहते हैं, बहुत सारे लड़कियां रहते हैं जो खीर नहीं बना सकते, और बहुत सारे लोग अपने पत्नियों से दूर भी रहते हैं, तो खीर कैसे खाएंगे। ऐसी दशा में आप चिंता मत करिए। आप 1 गिलास दूध ऊपर छत के नीचे रख दीजिए, उसमें सफ़ेद वाला ही चलेगा। अगर उसमें आप कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा। आप उसे रख दीजिए रात भर और अगले दिन सुबह उसका सेवन करिए, उससे भी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। खीर थोड़ा सा स्वादिष्ट होता है, इसलिए सब लोग खीर बना कर रखते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी कुबेर जी का पूजा किया जाता है और चंद्रमा की भी पूजा किया जाता है। चंद्रमा सीधा शिव जी से जुड़ते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है और घर में बरकत भी बढ़ती है, इसलिए उस दिन पूजा किया जाता है। चंद्रमा का असर लिक्विड चीज़ों पर ज़्यादा होता है, सॉलिड चीज़ों पर थोड़ा कम होता है, इसीलिए खीर बनाया जाता है। अगर हम खीर को सॉलिड बना देंगे, चावल बना देंगे दूध मिलाकर, तो वो खीर नहीं होगा। अगर हम उस खीर को खीर कहते रहे तो वो चावल की खीर हो जाएगी, वो अमृत की खीर नहीं बनेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि खीर लिक्विड हो, थोड़ा उसमें जल वाला कंटेंट हो, थोड़ा दूध वाला कंटेंट ज़्यादा हो, तो लिक्विड हो तो ज़्यादा फायदे होते हैं, इसलिए लिक्विड बनाने की कोशिश करिए। अगर खीर हमारा पतला होता है तो अमृत का तत्व वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है और अमृत को ग्रहण कर लेता है। अगर हम अमृत की बात करते हैं तो हम कभी भी यह नहीं कहते कि अमृत को खा लिया, अमृत को पी लिया, इसलिए हमारा खीर थोड़ा पतला रहना चाहिए। आखिर खीर शरद पूर्णिमा के दिन ही क्यों खाना चाहिए, दूसरे दिन क्यों इसकी शुरुआत नहीं करना चाहिए, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। शरद ऋतु की समाप्ति होती है इस दिन, हेमंत ऋतु का शुरू होता है इस दिन। रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे, व्यक्ति के अंदर आलस्य बढ़ेगा, उन्माद बढ़ेगा, व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, उसके स्वास्थ्य में भी थोड़ा दिक्कत
बढ़ सकते हैं, इसलिए हम शरद ऋतु के अंत में खीर खाकर खीर के साथ शरीर को पुष्ट करते हैं, अपने शरीर को एनर्जाइज करते हैं। आगे जब हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है उसमें हम दूध खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, हम चंद्रमा के रोशनी का प्रयोग करें तो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। और एक बात है, हेमंत ऋतु के शुरुआत में हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, दूध खाएंगे, क्रीम, पनीर, घी, हैवी चीज़ें के इस्तेमाल हम करते हैं तो उसकी शुरुआत है कि यहाँ से हम हैवी चीज़ों खा सकते हैं। कब तक हम खा सकते हैं? जब तक कि खिचड़ी खाने का दिन ना आ जाए, यानी कि मकर संक्रांति। शरद पूर्णिमा से मकर संक्रांति के बीच में हम ऐसे चीज़ें खाएं जो शरीर को ऊर्जा दे, यही इसका शुरुआत भी है कि हम खीर खाना शुरू कर देते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम रोज़ रोज़ खीर बनाकर खाने लगे, कहने का मतलब यह है कि हमें थोड़ा हैवी भोजन, थोड़ा स्निग्ध भोजन कर सकते हैं। हेमंत ऋतु के शुरुआत के साथ ही बढ़िया और अच्छा भोजन करने से साल भर स्वास्थ्य बना रहेगा, यही इसका सूचना है। इसीलिए आप भी अमरुद का खीर बनाइए और उसका लाभ लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको खीर कैसे बनाते हैं ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। 1 लीटर दूध के लिए 120 ग्राम शुगर यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे रात भर रखकर खाइए या फिर 1 घंटे के लिए रख कर खाइए, इससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को सीधा डालना चाहते हैं तो सफ़ेद वाला दूध में आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और आप केसर को भी स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए अनुमति। धन्यवाद।